जी, ये जेल सुपरिंटेंडेंट जो है बेऊर के, उनके द्वारा स्थानीय बेऊर थाना को और हमको भी सूचित किया गया है कि उनके यहाँ जो उच्च सुरक्षा कक्षा है उसमें दो बंदी, एक अभिषेक गोपालका और एक मोहम्मद राजा, उनके नियंत्रण से मोबाइल पाया गया है, और जिसमें जांच के क्रम में पता चली है कि उनके द्वारा जेल कर्मियों को सीनियर ऑफिसर्स के नाम पे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी की गई है। अभिषेक अग्रवाल के पास से 4 GB वाला मोबाइल मिला है। जालसाज अभिषेक अग्रवाल ने ही चीफ जस्टिस बनकर DGP को फोन लगाया था। अभी ADG और केंद्रीय गृह सचिव बनकर अधिकारियों को फोन कर जेल में अपने लिए सुविधाएं मांग रहा था। आपको बता दें कि बेऊर थाने में अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज है। पटना के बेऊर जेल पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जेल के अंदर आखिर मोबाइल आया तो आया कैसे, आखिर कैसे जो भी अपराधी हैं वो जेल के अंदर से बाहर वालों को कॉल कर लेते हैं। इसको लेकर पटना SSP राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। जेल के अधिकारियों को फोन कर रहा है, कभी उसको फर्जी ADG बता रहा है, कभी यूनियन होम सेक्रेटरी बता रहा है, ये मामला संज्ञान में आया पटना। जी, ये जेल सुपरिंटेंडेंट जो है बेऊर के, उनके द्वारा स्थानीय बेऊर थाना को और हमको भी सूचित किया गया है कि उनके यहाँ जो उच्च सुरक्षा कक्षा है उसमें दो बंदी, एक अभिषेक गोपालका और एक मोहम्मद राजा, उनके नियंत्रण से मोबाइल पाया गया है, और जिसमें जांच के क्रम में पता चली है कि उनके द्वारा जेल कर्मियों को सीनियर ऑफिसर्स के नाम पे फ़ोन करके अलग अलग तरह की सुविधाएं देने को या कुछ जेल बंदी जो है उनके विरुद्ध कुछ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। इस संबंध में जो जेल अधीक्षक हैं उनके द्वारा बेऊर थाना में भी एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया है, और उनके अपने स्तर से भी जो इस संबंध में कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। जेल के अंदर से ऑफेंस है, जेल में लापरवाही है? नहीं, इस संबंध में जेल मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान है, और जेल मैनुअल्स के अधीन जो कार्रवाई की जानी है वो जेल सुपरिंटेंडेंट द्वारा की जा रही है, और बाकी जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस से अपेक्षित है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। हो गया है जी। तो आपने सुना SSP ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।